संस्कृत अध्याय दो, संस्कृत अध्याय दो के अंतर्गत संख्या, सर्वनाम, लिंग एवं वचन इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। संज्ञा, संज्ञा व्यक्ति, स्थान, प्राणी के नाम अथवा भाव को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद, संज्ञा निम्नलिखित तीन प्रकार का होता है। नंबर एक व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर दो जातिवाचक संज्ञा, नंबर तीन भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिन शब्दों से एक ही व्यक्ति, वस्तु व स्थान का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा जिन शब्दों से एक ही जात की वस्तुओं का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे माता, फलम, पुस्तकम। नंबर तीन भाववाचक संज्ञा जिन शब्दों से वस्तु के गुण दशा का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे मधुरता, निर्धनता, सुंदरता। इसके बाद आता है सर्वनाम। सर्वनाम वे शब्द जिनका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के भेद, सर्वनाम मुख्यतः छह प्रकार का होता है। नंबर एक पुरुषवाचक, नंबर दो निजवाचक सर्वनाम, नंबर तीन प्रश्नवाचक, नंबर तीन संबंधवाचक, नंबर पाँच निश्चयवाचक, नंबर छः अनिश्चयवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम के द्वारा वक्ता, श्रोता और अन्य का बोध हो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम तीन प्रकार का होता है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष के अंतर्गत सह, तव, ते आते हैं। सह एक वचन, तव द्विवचन और ते बहुवचन होता है। प्रथम पुरुष जिसके विषय में बात हो रही हो उसको प्रथम पुरुष कहते हैं। मध्यम पुरुष में तुम, युवाम, युयम आता है, जिसके विषय में बातचीत कर रहा हो। ऐसे सर्वनाम जिनका प्रयोग हम जिसके विषय में बातचीत कर रहे हैं उसके लिए जो प्रयोग करते हैं उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। उत्तम पुरुष ऐसे सर्वनाम जिनका प्रयोग वक्ता स्वयं के लिए करता है, जैसे अहम, आवाम, वयम, ठीक। और इसके बाद आता है नंबर दो निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम ऐसे सर्वनाम जिनका प्रयोग वक्ता स्वयं के लिए करता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम ऐसे सर्वनाम जिनका प्रयोग वक्ता प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम ऐसे सर्वनाम जिनका प्रयोग संबंध प्रकट करने के लिए किया जाता है संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम ऐसे सर्वनाम जिनका प्रयोग वस्तु की निश्चित, व्यक्ति अथवा वस्तु की निश्चितता के लिए किया जाता है निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम ऐसे सर्वनाम जिनके प्रयोग से किसी वस्तु अथवा व्यक्ति के निश्चित होने का बोध नहीं होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। विशेषण, विशेषण ऐसे शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। विशेषण चार प्रकार के होते हैं, नंबर एक गुणवाचक, नंबर दो परिमाणवाचक, नंबर तीन संख्यावाचक, नंबर तीन संकेतवाचक। गुणवाचक विशेषण ऐसे विशेषण जो संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण अथवा दोष बताते हैं उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक विशेषण ऐसे विशेषण जो किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम के परिमाण अथवा नाप, तौल इत्यादि को प्रकट करते हैं परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। संख्यावाचक विशेषण ऐसे विशेषण जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या बताते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। संख्यावाचक विशेषण दो प्रकार का होता है, निश्चय संख्यावाचक विशेषण, नंबर दो अनिश्चय संख्यावाचक विशेषण। निश्चय संख्यावाचक विशेषण ऐसे विशेषण जो प्रथम, जैसे प्रथम, द्वितीय, तृतीय या निश्चयवाचक विशेषण हो गए। अनिश्चयवाचक जैसे अल्प और कतिपय इत्यादि। संकेत नंबर चार संकेतवाचक विशेषण। संकेतवाचक विशेषण ऐसे विशेषण जो संज्ञा अथवा सर्वनाम को संकेत द्वारा प्रकट करते हैं उन्हें संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। गुणवाचक विशेषण की अवस्थाएं, गुणवाचक जो विशेषण होती हैं उसकी तीन अवस्थाएं होती हैं, नंबर एक मूलावस्था, नंबर दो उत्तरावस्था, नंबर तीन उत्तमावस्था। जैसे होती हैं, जैसे इंग्लिश में भी होती हैं वैसे इसमें भी होती हैं। जैसे जैसे पहला होता है प्रिया का देखें तो प्रिया प्रियतरा, मूलावस्था हो गई प्रिया, उत्तरावस्था हो गई प्रियतरा, उत्तमावस्था हो गई प्रियतमा। और जैसे सुंदरा सुंदरतरा सुंदरतमा। इसी प्रकार क्रिया, क्रिया का आप देखेंगे क्रिया किसे कहते हैं, वे शब्द जिनसे किसी काम का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया जैसे पठत, गच्छत, क्रीडत इत्यादि। क्रिया तीन प्रकार की, क्रिया दो तीन प्रकार की होती है, नंबर एक सकर्मक क्रिया, नंबर दो अकर्मक क्रिया, नंबर तीन द्विकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया दो प्रकार की होती है, एक कर्मक, द्विकर्मक। सकर्मक क्रिया जिनके साथ कर्म होता है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया जिनके साथ कर्म नहीं होता है उन्हें अकर्मक क्रियाएँ कहते हैं। द्विकर्मक जिनके साथ दो कर्म होते हैं उन्हें द्विकर्मक क्रियाएँ कहते हैं। सकर्मक क्रियाएँ दो प्रकार की होती हैं, एक कर्मक क्रिया और दो कर्मक क्रिया।
एक कर्मक क्रिया वह होती है जिसके साथ एक कर्म होता है उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। द्विकर्मक क्रिया जिसके साथ दो कर्म होते हैं उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। इसके बाद आता है वचन, जिससे शब्दों की संख्या का बोध होता है उसे वचन कहलाता है, कहा जाता है। वचन जिन शब्दों जिससे शब्दों की संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। वचन वचन तीन तीन प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। जब एक बालक होता है तो उसे एक वचन कहते हैं, जब दो बालक हैं तो उसे द्विवचन, जब बहुत से बालक होते हैं तो उसे बहुवचन। जैसे एक वचन को बालका, दो वचन को बालको और बहुवचन को बालका, इस प्रकार प्रकट करते हैं। इसका प्रयोग वाक्य बनाने में बहुत अधिक होता है। नंबर अगला आता है लिंग। लिंग जिन शब्द संज्ञा और सर्वनाम के स्त्री तथा पुरुष दोनों जातियों का बोध कराने वाले शब्द लिंग कहलाते हैं। लिंग जिनसे हमें किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम के स्त्री अथवा पुरुष या नपुंसक होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। लिंग तीन प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग, पुरलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग। तीन प्रकार के लिंग होते हैं। संस्कृत का अगला अध्याय, अध्याय तीन, नेक्स्ट वीडियो में दिया जा रहा है। कृपया नेक्स्ट वीडियो को देखें।